चटपटी और मसालेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाइए और हर एक न्यूज सबसे पहले पाइए। भोजपुरी फिल्मों के जुबली स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ ने भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी ज्वाइन करने के साथ ही साथ सभी भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री को हिला दिया और सभी लोग निरहुआ के सपोर्ट में आ चुके हैं और सभी लोग आजमगढ़ की धरती पर निरहुआ के जमकर सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव ने भी सपोर्ट करने की बात कही है। उन्होंने भी कहा है कि वो निरहुआ के लिए जमकर वोट मांगेंगे और आजमगढ़ की धरती पर खेसारी लाल यादव भी प्रमोट करने पहुंचेंगे, यानी कि निरहुआ के सपोर्ट में पूरा भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री उतर चुका है, जैसा कि उनकी रैली में देखा जा चुका है। जी हां, निरहुआ ने अपने शानदार रैली में भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के कई दिग्गज लोग शामिल हुए और सभी लोगों ने आजमगढ़ की धरती पर निरहुआ के लिए जमकर वोट मांगे। हालांकि रैली में सपा के कार्यकर्ताओं ने भी उन पर हमला किया और निरहुआ पर पथराव किया, साथ ही साथ अखिलेश जिंदाबाद के नारे भी लगाए। लेकिन आपको बता दें कि इस पर खेसारी लाल यादव ने कहा है कि उनके कुछ करने से निरहुआ को हारने वाला नहीं है, क्योंकि निरहुआ बहुत ही दिलेर आदमी है। वो जब भी किसी काम को थामते हैं तो वो पूरा ही करते हैं। देखना यह है कि खेसारी लाल यादव के इस बयान से निरहुआ को कितना फायदा होगा और खेसारी लाल यादव के चुनाव प्रचार से निरहुआ को कितना फायदा होगा, यह तो आने वाले चुनाव में ही पता चल पाएगा। लेकिन इतना कंफर्म हो चुका है कि खेसारी लाल यादव निरहुआ के लिए चुनाव प्रचार करने वाले हैं। साथ ही साथ खेसारी लाल यादव के साथ भोजपुरी की टॉप हीरोइनियां भी निरहुआ के लिए वोट मांगते हुए आजमगढ़ की धरती पर दिखने वाले हैं।